वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में कुछ नया ट्राई करने वाले हैं, और नया यानी कि क्या, इंस्टेंट रामेन ट्राई करने वाले हैं। इंडिया में रह के इंस्टेंट रामेन तो काफ़ी ट्राई की होगी, पर आज हम लोग ट्राई करेंगे कि इन पांच देशों की इंस्टेंट रामेन कैसी होती है, और लास्ट में रेट करेंगे कि कौन सी इंस्टेंट रामेन सबसे टेस्टी है। तो आज हम लोग के पास है पाँच देश की, यानी कि ये वाली थाईलैंड की, ये कोरिया की, ये सिंगापुर की, ऑफकोर्स इंडिया की, और इंडोनेशिया की इंस्टेंट रामेन। सारे देशों की सबसे पॉपुलर इंस्टेंट रामेन लाने की कोशिश की है, तो ट्राई किया जाए। शुरू करते हैं मे बी इससे, इंडोनेशिया की बेस्ट इंस्टेंट रामेन जो कि इंडोमी है, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो इसी से ट्राई करते हैं। ये इंडोमी की मी गोरांग फ्लेवर की इंस्टेंट नूडल्स है जो कि वर्ल्ड फेमस है। हमें अमेजोन पर मिल गई थी लगभग 120 रुपीज़ की। तो सारे नूडल्स का ये करेंगे कि जैसे भी इनका ओरिजिनल इंस्ट्रक्शंस है ना, वैसे ही प्रिपेयर करेंगे, ताकि कोई बायस ना हो, कोई भी अलग से टॉपिंग्स वगैरह नहीं ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। पैकेजिंग तो सुंदर सी है, और यहाँ पे ही प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले एक पैन चढ़ा लिया जाए। इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से नूडल्स को बॉयल करना है, अलग से सीजनिंग एक बोल में ऐड करनी है, और ड्रेन नूडल्स को डाल के मिक्स करके खा लेना है। तो बनाना स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले तो नूडल्स, साथ में तीन सीजनिंग पैकेट्स हैं, ये सीजनिंग पाउडर, चिली ऑयल, ये ऑयल और सोया सॉस। अब वेट करते हैं इसके पकने का। जब तक ये नूडल्स पक रही हैं, तब तक अपने ये जो सीजनिंग मिक्स को अलग से मिक्स करना है, इसको मिक्स किया जाए। चिली ऑयल और सीजनिंग पाउडर, ओह चिली ऑयल नहीं है, ये भी पाउडर ही है। थोड़ा स्वीट और सॉल्टी टाइप स्मेल आ रही है। सोया सॉस काफ़ी थिक लग रही है, सॉस नहीं ये पेस्ट लग रहा है, सोया पेस्ट। लिटरली सोया पेस्ट है ये। अनियन ऑयल है, सोया पेस्ट है, इसको मिक्स कर लेते हैं। सोया पेस्ट तो अलग से एक वो बन गया है। थोड़ा सा नूडल वाटर ऐड करते हैं। ये है हमारा फाइनल जो पेस्ट बना है। अब नूडल्स हो गए हैं रेडी, तो इसको ड्रेन करते हैं। और जितनी भी ये नूडल्स निकली हैं, इसको डायरेक्ट इसमें ट्रांसफ़र कर दिया एंड मिक्स। जो सोया पेस्ट लग रहा था, वो गरम नूडल्स के साथ इंस्टेंटली मिक्स हो रहा है। This is what our final noodles look like. Smell बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि वो जो onion और garlic type smell आती है ना, वो smell आ रही है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। खा के final पता चलेगा। Spicy नहीं है, थोड़ा सा जो स्वीट अनियन फ्लेवर आता है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ओके ओके है। इसको देंगे लाइक 3/5, मे बी 3.5/5। थोड़ा सा एक बार और खा लेते हैं। नूडल्स का टेक्सचर बहुत फर्म है, हल्की सी अनियन की स्वीटनेस आ रही है, और बहुत ज़्यादा माइल्ड स्पाइस है। मे बी इसमें थोड़े से और कुछ टॉपिंग्स चाहिए, जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो। बाकी 3.5 फाइनल। तो अब नेक्स्ट नूडल ट्राई करते हैं। अगली इंस्टेंट नूडल्स जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं, वो ये थाईलैंड की नूडल्स। ये थाई करी फ्लेवर की हैं, और अभी हम रिसेंट में थाईलैंड भी गए थे, तो थाई करी मेरी बहुत ही फेवरेट है, तो इससे तो काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस है मेरी। इसके इंस्ट्रक्शंस काफ़ी ईजी हैं, जहाँ तक लाइन बनी है वहाँ तक पानी भरना है, उसके बाद 3 मिनट तक पकने देना है, और उसके बाद रेडी, खा के ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक फोर्क है, एक मसाला, एक सीजनिंग पैकेट, और ये नूडल्स। पहले सब कुछ डाल देते हैं। आई थिंक इस लाइन की बात हुई है, तो पानी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, और थोड़े सूपी बनेंगे नूडल्स, मेरी ये एक्सपेक्टेशंस हैं। तो पहले सीजनिंग पाउडर डाल देना है। आप सोच रहे होंगे कि इतना कम क्यों खोला है लिड, तो इंस्ट्रक्शंस में ही लिखा है कि लिड हाफ वे ओपन करना है। और
ये एक टाइप का सीजनिंग ऑयल लिखा है, लेकिन हमें फिर से ये पेस्ट ही लग रहा है। थोड़ा जमा हुआ ऑयल है। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि थाई करी में कोकोनट का बेस होता है ना, तो इससे ऐसे ड्राइड कोकोनट की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पे हमने गर्म पानी कर रखा है, डाल दिया गर्म पानी, कवर करके अपना टाइमर भी सेट कर लेते हैं 3 मिनट का। अब देखा जाए, तो नूडल्स हमारी रेडी हो गई हैं, तो अब देखा जाए खोल के। थोड़ी सी मिल्क पाउडर टाइप कोकोनट स्मेल आ रही है इसमें से, थोड़ा सा जो इसमें कोक ऑयल बचा था थोड़ा और डाल देते हैं। मिक्स मिक्स मिक्स, आई डोंट नो, थोड़ा सा ब्लैंड टाइप स्मेल लग रही है। देखने में ओके टाइप है नूडल्स, हल्की सी ग्रीन टिंट है जो इसका सूप है उसमें, फाइनल तो टेस्ट ऐसी है। इसके नूडल्स बहुत ही पतले हैं, उसकी वजह से टेक्सचर अच्छा है, अंदर थोड़ा सोया चंक्स भी पड़े हैं, पर थोड़ी सी ब्लैंड लग रही है नूडल्स, क्योंकि थाई करी का जो टेस्ट होता है वो माइल्ड होता है, पर ग्रीन करी सपोज टू बी अ लिटिल स्पाइसी, राइट? थोड़ा सा सूप ट्राई कर लेते हैं। सूप में अच्छे फ्लेवर्स आ रहे हैं, मे बी इनको पानी थोड़ा कम डलवाना चाहिए था। इसको हम रेट करेंगे 2.5, थाई करी से मेरी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी, पर 2.5 ही है। हम खा रहे हैं, तब तक नेक्स्ट पे जाओ। अब अगली बारी है ये कोरिया की किमची नूडल्स ट्राई करने की, पर आप बोलेंगे कि कोरिया की बुलडक नूडल्स वो ज़्यादा फेमस है, तो आज जान नहीं देनी है, पर बुलडक नूडल्स भी 2 टाइम स्पाइसी वाली हमने ट्राई कर रखी है, आप चाहो तो यहाँ पे जो लिंक है उससे देख सकते हो। फिलहाल ये किमची फ्लेवर भी वहाँ का बहुत फेमस फ्लेवर होता है, क्योंकि किमची बहुत फेमस है कोरिया में, तो आज ये किमची वाला ट्राई करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या है। वैसे इसके इंस्ट्रक्शंस काफ़ी क्लियर हैं, ऑलमोस्ट आधे लीटर पानी में इसका सूप बेस, नूडल्स और कुछ वेजी के पैकेट्स हैं वो डाल देना है। ये वेजी फ्लेक्स हैं, ये किमची सीजनिंग, और ये सर्कल नूडल्स पूरे ही सर्कल शेप में हैं, तो आसानी से मेरे बर्तन में आ जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शंस काफ़ी क्लियर हैं, वैसे ही कर बनाना है। तो सबसे पहले पानी गर्म किया जाए, अपना मेकशिफ्ट सेटअप ले आते हैं इधर। पानी डाल दिया, अब इसके बाद ये नूडल्स परफेक्ट फिट हुए हैं। सबसे पहले ये वेजी फ्लेक्स, और उसके बाद ये किमची बेस। और क्योंकि इसको 4 मिनट तक पकाना है, तो 4 मिनट का टाइमर लगा देते हैं, तो 4 मिनट का वेट करते हैं। अब टाइमर तो हो गया है, पर नूडल्स अभी तक बहुत पकी नहीं दिख रही है हमको, हमें ऐसा मेरा एस्टिमेट है कि मे बी 2 मिनट्स और, तो 2 मिनट्स के लिए टाइमर और बढ़ा देते हैं। 2 मिनट्स के लिए टाइमर और बढ़ा दिया है, तो हमारा टाइमर बज चुका है, तो ऑलमोस्ट 6 मिनट ये नूडल्स पक गए हैं और अब तैयार लग रहे हैं, तो अब बोल में डाल के देखा जाए, सो सकते किया जाए। ये रहा हमारा सुंदर सा बोल, ये नूडल्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है और देखने में सूपी और अच्छे लग रहे हैं, प्लस ये नूडल्स जो हैं बाकी जितने भी अभी तक खाए उन सबसे थिक लग रहे हैं। गरम तो बहुत है, किमची के फ्लेक्स भी लग रहे हैं इसमें, तो अगर आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े फ्लेक्स टाइप हैं, किमची ही लग रहा है। उसको भी ट्राई करते हैं,
ये नूडल्स काफ़ी फ्लेवरफुल हैं, किमची का अच्छा टेस्ट आ रहा है, और कोरियन नूडल्स जो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि बहुत स्पाइसी होगा, उतना स्पाइसी भी नहीं है। और ये खा के पता चला कि पतले नूडल्स से थोड़ा थिक टेक्सचर ज़्यादा अच्छा लगता है, चूई है नूडल्स तो और अच्छी लग रही हैं। बाकी गर्म भी बहुत है। ओवरऑल ये नूडल्स बहुत अच्छी लगी हमें, थोड़ा सा ब्रॉथ भी ट्राई करते हैं। अच्छा फ्लेवर है इसको, हल्की सी स्वीट, हल्की सी स्पाइसी, स्पाइसी तो ना के बराबर है पर सेवरी है। 4/10 फ्लेवर अच्छा लगा। ये वाली नूडल्स दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तो अब बारी आ गई है ये सिंगापुर वाली नूडल्स ट्राई करने की। कोका कंपनी की नूडल्स है और स्पाइसी सिंगापुर फ्राइड नूडल्स फ्लेवर में है। अमेज़ॉन पे ये भी अवेलेबल है, 65 रुपये की पड़ गई थी एक पैकेट, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है पर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। इसके भी नूडल्स के बनाने के इंस्ट्रक्शंस काफ़ी ईजी हैं, अलग से नूडल उबालना है और प्लेट में मसाले को अलग से मिक्स करके दोनों को आपस में मिक्स करके खा लेना है। तो अपना वापस से कुकिंग सेटअप लाया जाए। तब तक नूडल्स खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक ही पैकेट है ये सीजनिंग का, और एक में पाउडर है और एक में ऑयल, और दूसरे ये सिंपल नूडल्स हैं, बाकी तो और कुछ नहीं है। तो जब तक ये बॉईल हो रही है तब तक हम अलग से मसाले मिक्स करते हैं। एक बोल लेना है, उसमें जो ये पाउडर मिक्स है और ये ऑयल, दोनों को मिक्स कर देना है। ऑयल काफ़ी लाल लाल है, पाउडर तुरंत ही उड़ के नाक में चला गया। वैसे जैसे ये दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टेस्टी होने वाला है। इसको करते हैं मिक्स, खुशबू तो अच्छी आ रही है। बस अब नूडल्स बॉईल होने का वेट करना है। अब ये नूडल्स लग रहा है पक चुके हैं, तो इनको पहले कर लेते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन करने के बाद जो हमारा मिक्सचर हमने तैयार किया था डायरेक्टली उसमें ऐड कर देते हैं मिक्सर के। कभी कभी नूडल्स के या कोई भी खाना होता है उसका कलर देख के नहीं पता चल जाता कि बहुत अच्छा होने वाला है। इन नूडल्स के साथ वैसे ही हो रहा है कि इनका कलर देख के ही मेरे मुँह में पानी आने लग गया। इट्स गोइंग टू बी गुड। तो फाइनली हमारी नूडल्स ऐसे दिख रहे हैं, बहुत सुंदर सा कलर है, देखने में हल्की स्पाइसी लग रही है पर फ्लेवरफुल बहुत होगी इसकी गारंटी लग रही है। तो टेस्ट टेस्ट, अच्छी फ्लेवरफुल है ये नूडल्स। हल्का सा सोया सॉस का फ्लेवर है, थोड़ा सा अनियन की स्वीटनेस जो होती है वो है, स्पाइसी ना के बराबर है। एक और बाइट, अच्छी लग रही है ये वाली। प्रोबेबली इसको रेट करेंगे 4। अच्छी है लेकिन ऑसम नहीं है, देखने में जितनी अच्छी लग रही थी उससे थोड़ी सी कमी रह गई, तो इसलिए 4 रेटिंग देखते हैं। नेक्स्ट पे जाओ। और अब एंड में बारी है मेरी और शायद आपकी भी फेवरेट नूडल्स से, जो है मैगी। मैगी तो बचपन से फेवरेट रही है तो इसके लिए थोड़ा सा बायस हो सकता है, तो इसमें एक काम करते हैं, एकदम जो पैकेज इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे। इसमें इंस्ट्रक्शंस में दिया है पहले नूडल केक जो अंदर होता है उसको 4 पार्ट में तोड़ के 210 ml, हमने एग्जैक्टली मेजरिंग कप में नाप के पानी भी लिया है, एग्जैक्ट उतना ही पानी लेके बॉइलिंग वाटर में 2 मिनट के लिए पकाना है। थोड़ा सा बायस ना हो इसलिए और क्रिटिकल होना है, क्योंकि मैगी तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी लगेगी, तो थोड़ा सा इसका इंस्ट्रक्शंस एकदम फॉलो करना है। सबसे पहले अपने पॉट में पानी लेना है 210 ml, और इसको बॉईल होने देना है। वेट करते हैं बॉईल होने का, तब तक नूडल्स भी खोल लेते हैं। इसमें तो पता ही है क्या निकलने वाला है, हमारी मैगी
और एक टेस्ट मेकर। कमेंट में बताओ सब तुम्हारी फेवरेट नूडल्स क्या है, मैगी या यप्पी। बहुत लोग यप्पी भी फेवरेट होती है, तो कमेंट करके बताओ क्या है फेवरेट। पानी उबल जाने देते हैं तब तक। तो अब हमारा पानी उबल चुका है, सबसे पहले मसाला डालेंगे हमारा टेस्ट मेकर। मैगी की हमेशा ये शिकायत होती है कि 2 मिनट में कभी नहीं बनती, जो कि 2 मिनट लिखा है, पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, वो सिर्फ क्लिक बेट है कि 2 मिनट में बन जाएगी। तो इसको वैसे टेस्ट भी कर लेते हैं। इनको 4 पार्ट में तोड़ दिया। 2 मिनट का टाइमर स्टार्ट। टाइमर तो हमारा हो गया कि 2 मिनट हो गए, पर मैगी अभी भी पकी हुई नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा वाइट वाइट जैसी दिखती नहीं है मैगी, वैसी दिख रही है। तो मे बी 1-2 मिनट और पकाते हैं मैगी। 2 मिनट में तो कैसे भी नहीं बनती, कुछ भी कर लो। आई वॉज ऑप्टमिस्टिक एट दिस पॉइंट कि 2 मिनट में बन जाएगी। अब हमारी मैगी पक चुकी है ऐसा लग रहा है, तो अब इसको टेस्ट करते हैं। कोर्स आपको पता होगा मैगी देखने में कैसी लगती है, और सिर्फ मैगी का टेस्ट ही नहीं इसमें। चलो टेस्ट करते हैं पहले, फिर बात करते हैं। सिर्फ मैगी का टेस्ट ही अच्छा नहीं है, इसके साथ एक बचपन वाला जो नॉस्टैल्जिया जुड़ा है ना, वो बहुत एज देता है इसको। तो ये तो सबसे बेस्ट नूडल्स लगती ही है। तो इसको कितना पॉइंट दिया जाए? ऐसे तो मेरा 5 देने का मन है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैगी, पर इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बननी नहीं, तो 4.8। मैगी को फाइनल रेटिंग देते हैं 4.8। और ये रहा हमारा फाइनल स्कोर बोर्ड। क्या आपने इन सब में से कोई भी नूडल्स ट्राई किए, या फिर आपको किसी और कंट्री की नूडल अच्छी लगती है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगला वीडियो किस चीज़ पर बनाए, कुछ सजेशन हो तो वो भी बताना। तब तक के लिए बाय।